Cause I just wanna go, go, go to the deep end. आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ स्टार्ट में ही कि इस वीडियो को आप देख के जितना हो सके शेयर करिए और अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर दीजिए। मुझे लगता है शायद इस टॉपिक पर ये मेरा फुल एंड फाइनल वीडियो होगा ताकि आपको प्रॉपर में एजुकेट करूं कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, किस प्राइस पर वो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कितने तरीके के यूजर्स होते हैं जो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है और आप भी इसमें इन्वॉल्व है और वही चीज़ आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अब सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए अलग अलग तरीके के यूजर्स होते हैं, अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन सबसे तीन मेजर जो यूजर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है नॉर्मल यूजर और इसमें मैं आपको ट्रू स्टोरी बताऊंगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दूंगा। नॉर्मल यूजर वो लोग होते हैं जिनको कुछ ज़्यादा परवाह नहीं होती है, उनको चिपसेट के बारे में पहली बात तो कोई नॉलेज नहीं होता है और उनको उससे कोई लेना देना भी नहीं होता है। अगर आप उनको एजुकेट करने भी जाए तो वो बोलेगा भाई तू क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को एक फ़ोन लेना है, मेरे को उसमें ये डिस्प्ले चाहिए, इतना बड़ा छोटा होना चाहिए, बड़ी बैटरी होनी चाहिए, चार्जिंग फास्ट होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, ये पर्टिकुलर ब्रांड है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उसने उसको ले लिया। एग्जाम्पल मेरा सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग का, अभी हाल ही में मैंने उसको एक फ़ोन दिया, उसने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि रोहेश भाई इसमें कौन सा प्रोसेसर है। वो बोल रहा है मुझे गांव जाना है, व्हाट्सअप यूज़ करना है वहाँ पर और मुझे शादी है वहाँ पर, तो मुझे फ़ोटोज़ लेना है और एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि अभी तक वो फीचर फ़ोन यूज़ कर रहा था। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे फ़ोटोज़ लेना है, व्हाट्सअप यूज़ करना है। अच्छा, वो नॉर्मल यूज़र कैटेगरी में आते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनका काम चल रहा है, वो प्राइस नहीं देखते, चिपसेट नहीं देखते, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे यूज़र पर, मिक्स्ड यूज़र्स, मैं भी उनमें से हूँ, मेरा भाई भी उनमें से, बहुत सारे लोग, आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे। अब ये किस तरीके के लोग होते हैं कि इनको ना सब कुछ करना होता है, YouTube भी चलाना होता है, WhatsApp भी चलाना होता है, फोटोज़ भी लेना होता है, ब्रांड वाली भी कभी कभी देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, अपडेट्स भी चाहिए होते हैं और साथ साथ थोड़ा बहुत गेम्स भी खेलते हैं। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड यूजर्स। इसमें क्या होता है कि इनको थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है चिपसेट्स का, ठीक है। बहुत सारे लोग जब इस कैटेगरी में जब आते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है इसमें, मीडियाटेक का, क्वालकॉम का है, लेकिन बहुत कम, रेयर लोग होते हैं वो। फिर भी बहुत सारे ऐसे मिक्स्ड यूजर्स होते हैं जिनको परवाह नहीं है। इसमें कैटेगरी में आते हैं मेरे दोस्त, मेरा एक दोस्त है, मेरा खास दोस्त है बचपन का, मैंने जब उसको एक फ़ोन दिया था उसने मुझे सिर्फ एक ही बार पूछा, एक बार, ये लैग तो नहीं करेगा ना, क्या बात है। उसके बाद जब मैंने उसको फ़ोन दिया अभी तक उसने एक बार भी मुझे कंप्लेंट नहीं किया और उसका यूसेज क्या मुझे पता है, वो यूट्यूब ज़्यादा देखता है, क्रिकेट की गेम बहुत खेलता है, क्रिकेट और फुटबॉल का वो फैन है और बैटरी उसको अच्छी चाहिए। आज तक उसने मुझे कंप्लेंट नहीं किया कि भाई इसमें ये इशू हो रहा है, इसमें इशू हो रहा है, बस उसने खाली पूछा था कि लैग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका काम हो गया। अब मैं उसको कोई भी फोन दूँ, कितना भी महंगा दूँ, किसी भी चिपसेट के साथ, इट डजंट मैटर टू हिम। वो कैटेगरी है मिक्स्ड यूजर्स की। और फाइनल यूजर है हैवी यूजर्स। ये थोड़े से ना ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं इस मामले में कि उनको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें बहुत ही पावरफुल चिपसेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चिपसेट अच्छी होगी तो वो हाई एंड गेम्स खेल सकेगा और अगर उसको हाई वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, जो भी करना है, हैवी टास्क करना है, तो वो देख दाख के ही एक पर्टिकुलर फोन लेगा। इनफैक्ट मेरे घर का एग्जांपल दो तो मेरा भतीजा अभी बहुत छोटा है, लेकिन जब भी उसको एक फोन दूँ या उसको एक फोन चाहिए होता है गेम खेलने के लिए तो वो मुझसे खुद बोलता है इसमें क्वालकॉम की चिपसेट है, कौन सी मीडियाटेक की चिपसेट है, वो बड़ा शाना है। और जब उसको देता हो तो एक दो बार उसने मुझसे कंप्लेंट किया था, मैंने एक बजट फोन दे दिया था कि ये लैग करता है गेम, मैं समझ गया कि ये बंदे को क्या चाहिए, फिर मैंने उसको दूसरा मिड रेंज फोन दिया और उसमें वो गेम खेला था अच्छे से। तो ये होते हैं हैवी यूजर्स जो बहुत देख दाख के, प्रोसेसर उनकी मेन प्रायोरिटी होती है और वो एक पर्टिकुलर फोन को परचेज करते हैं। टीचर मोड ऑन करते हैं, टेक्नोरोज क्लासेस में आपका स्वागत है। अब ये वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्विज होगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा, थोड़ा मजा आने वाला है। पहला वाला पार्ट अगर आप समझ गए तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके की यूजर्स है, अब थोड़ा सा हम उसको और एक्सप्लोर करते हैं। तो एक है नॉर्मल, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है प्लीज उसको इग्नोर करना, एक है मिक्स्ड, ठीक है, और एक है हैवी। ये अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है एक ब्रांड की तरफ से, तो यहां पर तीनों एक फोन को तलाश कर रहे हैं, एक ये और एक ये। अब ये जो ब्रांड है ये है फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं TR, और इनका एक फोन यहां पर लॉन्च हुआ है, मेरे फोन में पंचोल भी है, सेंटर पंचोल है, और इसमें है स्नैपड्रैगन
680। और इस फोन की जो प्राइस है, ये फर्स्ट सिनेरियो है, इसके अंदर प्राइस हम रखेंगे 30,000 रुपए। अब इसमें से ये वाला फोन स्नैपड्रैगन 680 के साथ 30,000 रुपए में आया है, तो कौन फोन परचेस करेगा और कौन नहीं करेगा? फास्ट, आपके पास 5 सेकंड से गेस किया। नॉर्मल यूजर, यस, ये परचेस करेगा। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको कोई मतलब नहीं है चिपसेट से, ये बोल रहा है मेरा काम हो रहा है, डिस्प्ले अच्छा है, डिजाइन अच्छी, कैमरा चल रहा है, व्हाट्सअप चल रहा है, वीडियो देख रहा हूँ, हो गया, उसको टेंशन नहीं है, उसने ये फोन ले लिया। नाम भी उसको मतलब, एक ब्रांड वैल्यू भी कभी उसके दिमाग में रहेगा, उसने ले लिया। मिक्स्ड यूजर, हाँ, क्यों? ये चिपसेट वैसे भी इतना बुरा तो नहीं है, उसको पता है कि थोड़े बहुत अगर गेम्स भी खेलना रहा तो वो खेल भी सकता है, तो मिक्स्ड यूजर थोड़ा सोच समझ के ये भी शायद ये फोन ले लेगा। हैवी यूजर, आपने सही गेस किया, ये नहीं लेगा, ये आउट, ये बोलेगा भाई नहीं यार, 30,000 में स्नैपड्रैगन 680 मेरे लेवल का नहीं है, मुझे तो भाई एकदम स्नैपड्रैगन 778G, स्नैपड्रैगन 870, मैं उस लेवल का फोन ढूंढ रहा हूं। तो हैवी यूजर यहां पर बाहर हो गया। तो अब आप देखेंगे कि इस प्राइस पर भी इस चिपसेट के साथ बहुत सारे लोग इस फोन को ले रहे, और उसकी वजह जो थी वो आपको मैंने बता दी। अब यहां पर ये वाली ब्रांड जो है वो एक और स्मार्टफोन लॉन्च करती है, और ये स्मार्टफोन में साइड पंचोले। एनीवेज, इसके अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 778G, और इसकी जो प्राइस है वो है 20,000 रुपए। क्या बात है, वाह क्या बात है। अब इसमें कौन ये फोन परचेस करेगा और कौन नहीं करेगा, मैं आपको फिर से 5 सेकंड्स दे रहा हूं, क्विक। नॉर्मल यूजर, डेफिनेटली पहली बात तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें कौन सी चिपसेट है, उसका काम हो रहा है 20,000 की बजट है, भाई मेरे को फोन चाहिए, व्हाट्सएप यूज करना है, वीडियो देखना है, कॉल करना है, अपना काम हो गया। मिक्स्ड यूजर, थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है इनको, पता रहता है कि चिपसेट हाँ ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 778G वो देखेगा तो वो बोलेगा और वो ले लेगा। हैवी यूजर, इस बार ये ले लेगा, तो हैवी यूजर भी इन। क्यों? 20,000 में स्नैपड्रैगन 778G मिल रहा है, भाई तो खुश, मेरे को तो गेमिंग भी करनी थी हैवी, बजट भी इतना था, और उसका काम हो गया, वो समझता है, उसको नॉलेज है, इस बार हैवी यूजर भी इन हो गया। अब फाइनल सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर फरमाइएगा इसमें। अब जो फोन लॉन्च हो रहा है वो 50,000 में लॉन्च हो रहा है, और इसमें स्नैपड्रैगन 778G चलो आपको मिलता है। अब यहां पर वही सेम 3 यूजर्स है, कौन इस प्राइस पर इस चिपसेट के साथ इस फोन को परचेस करेगा? 5 सेकंड्स फिर से आपको मिल रहे, गेस करिएगा। आपने पहले गेस सही किया, नॉर्मल वाला ले लेगा। देखिए, उसको चिपसेट से वैसे भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो इतना पैसा स्पेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ब्रांड वैल्यू होगी, या किसी से उसने सुना रहेगा कि यार ये वाला फोन ले बहुत अच्छा है, तेरे लिए बेहतर, या उसने कोई ऐसी चीज उसमें देख लिया रहेगा तो उसको लग रहा है कि हाँ यार ये तो मुझे लेना ही लेना है, तो उसने स्पेंड कर दिया, ले लिया। मिक्स्ड यूजर, ये कन्फ्यूज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, एक तो वो ये सोचेगा कि भाई मेरा पूरा काम होगा कि नहीं होगा, वो थोड़ा कन्फ्यूज रहेगा, लेकिन फिर भी वो ले लेगा, वो इन है। जैसे कि मैंने कहा, ये हैवी यूजर नहीं, उसका काम हो रहा है, और ब्रांड वैल्यू देखकर, ये देखकर, वो देखकर, वो भी इन है। हैवी यूजर का क्या होने वाला है, जो प्रोसेसर को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, ये फंस गया। अब यहां से दो लोग बाहर आते हैं, इधर से दो लोग बाहर आते हैं। एक जो है वो इस फोन को अगर लेना चाहेगा तो वो दो चीज साथ में सोचेगा, एक तो है ब्रांड वैल्यू, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है सॉफ्टवेयर, यूजर एक्सपीरियंस या सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह। तो वो ये देखकर शायद ही इस फोन को ले ले, क्योंकि स्नैपड्रैगन 770G फिर भी गेमिंग के लिए अच्छा है, हाँ भले ही महंगा है उस प्राइस पर, लेकिन वो ये ख्याल रख के ले लेगा। तो यहां पर दो यूजर से एक ले लेगा, फिर दूसरा क्या करेगा, वो स्किप कर देगा, वो उस प्राइस पर दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाएगा, Xiaomi, Poco, Realme वगैरह, और वो चाहेगा कि उस प्राइस पर मुझे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिल जाए या स्नैपड्रैगन 888 Plus मिल जाए, वो वैसे करेगा। तो यहां पर दो यूजर बट गए हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अब आप सोच रहे हैं इसने इतना बड़ा ज्ञान क्यों दिया, क्योंकि आपके सारे डाउट्स में इससे क्लियर करना चाहता था, कि आपको अब पता चल गया होगा कि एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन जब लॉन्च होता है तो उसके कितने अलग अलग यूजर्स होते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो परचेज करते हैं। लेकिन जो पहला सिनेरियो मैंने आपको बताया स्नैपड्रैगन 680 जो 30,000 में लॉन्च हुआ है, आप सोच रहे कि यार मेरे लिए तो ये प्राइस बहुत ज्यादा है और मुझे चिपसेट के बारे में नॉलेज है, तो फिर भी इतनी सेल क्यों होती है?
इनकी वजह से, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है आज भी इंडिया में। ये ज़्यादा पंचायत नहीं करते, बोलते ना ज़्यादा हेडेक नहीं पालते, ये पूछते भी नहीं है और उनको फिक्र भी नहीं है। जब ये फ़ोन लेते तो वो बोलते हमारा काम हो रहा है, हमें जो चाहिए वो मिल रहा है, और वो एक पर्टिकुलर फ़ोन को परचेस कर लेते। उनकी ब्रांड रिक्वायरमेंट होगी या एक्सपीरियंस होगा सॉफ्टवेयर यूज़र वगैरह, या किसी ने उनको रेकमेंड किया होगा, इस वजह से जो फ़ोन से वो उस प्राइस पर भी इंडिया में सोल्ड हो जाते हैं। बाकी कुछ लोग जिनको नॉलेज होता है, जहाँ पर हमारे वीडियो से भी हम उनको बताते हैं, वो हैवी कैटेगरी में आते हैं, कभी कभी मिक्स्ड में भी आते हैं, और वो समझ जाते हैं, इसलिए वो रुक जाते हैं, नहीं 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 ये फ़ोन हम नहीं लेंगे। क्योंकि हर इंडिया में हर बंदा सोशल मीडिया पर नहीं है, ट्विटर पर आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब वीडियो देख ले आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे आज भी जो ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं, वो फ़ोन लेके आ जाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और उनका काम हो जाता है। अब एज अ टेकी हमारा क्या काम है यहाँ पर, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके बीच में। यहाँ पर अगर इन तरीके के फोन्स इंडिया में लॉन्च होते हैं तो हम आपको उसके बारे में अच्छा बुरा सब बताते हैं, और जब वर्डिक्ट देते हैं, फाइनल कंक्लूजन देते हैं, तो वहाँ पर अगर हमने आपको बोला कि ये चिपसेट इस प्राइस पर जस्टिफाई नहीं होती है, तो यहाँ पर वैसे भी इन दो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी आपको मैंने इनके बारे में बता दिया कि किस तरीके के यूजर्स होते हैं, हैवी यूजर को फर्क पड़ सकता है कि टेक्नोलॉजी ने बोला है तो शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए। हम बोलेंगे कि हाँ ये प्राइस पर ये चिपसेट जस्टिफाई है, तो तीनों यहाँ पर खुश हो जाएगी। तो हमने जो वर्डिक्ट दिया उस पर आउटकम्स अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट था वो सबके लिए नहीं था, जिनको लेना था वो ले रहे, जिनको नहीं लेना था वो नहीं ले रहे। हमारा काम था, हमने आपको उस मामले में एजुकेट कर दिया, अब फाइनल डिसीजन आपका है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि जो भी प्रोडक्ट हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं उसके पीछे कितना बड़ा मार्केट है, कितने लोगों के अपने अलग अलग विचार होते हैं जब जाके वो अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फोन को परचेस करते हैं। फिर ये भी मैं जरूर कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांड जो है वो बार बार ऐसे टाइप के फोन्स लॉन्च करता रहे कि हमें उनको मुश्किल से जस्टिफाई करना पड़े। तो ये फीडबैक जो है वो ब्रांड को भी हम पर्सनली भी देते ही रहते हैं। तो इतने ही दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको अब समझ गया होगा कि किस तरीके के यूजर्स होते हैं, कितनी बड़ी मार्केट होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे, और हमारा जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो क्या रोल होता है, वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए, क्या पता उसको हम हमारा पहला एपिसोड बना दें टेक ज्ञान का, हो सकता है आगे भी और भी एपिसोड्स आ जाए। लाइक करिए, अपने बारे में ये भी बताइए कि आप इनमें से कौन से यूजर्स हैं, वो भी जरूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।